मेरा अगला सवाल ये था कि जो 21 तारीख की बात बोल रहे हैं लोग, तो 21 तारीख को जो परीक्षा अब अगर होती है, तो इसको लेकर भी कई लोग आपत्ति जता रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में देख सकती हूँ। तो 21 तारीख को जो परीक्षा होने की जो तारीख है संभावित, उसको लेकर भी आप लोगों का कोई स्टैंड है क्या? 21 को तो नहीं होना चाहिए, यूपीएससी मेंस के बीच में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आयोजित करवाए बीपीएससी, नहीं तो फिर से आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो आंदोलन था उसमें यह भी डिमांड था कि यूपीएससी मेंस परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा को ध्यान में रखकर परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, किसी परीक्षा से टकराया ना जाए। तो इस चीज को फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अक्टूबर फर्स्ट वीक में ले लीजिए, यूपीएससी मेंस के बाद आप लीजिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लीजिए। लेकिन ये कोई बात नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आप यूपीएससी मेंस के बीच में आप परीक्षा लीजिएगा। पहले से तो 20 और 22 की बात चल रही थी, तो आप 21 को कैसे आप एग्जाम अचानक से ले रहे हैं? फिर ये तो सवाल खड़ा हो रहा था। जो बीपीएससी कह रहे थे कि 3 लाख का सेंटर नहीं मिल रहा है, तो 6 लाख का 21 तारीख को कैसे आयोजित करवा लेगी? तो पता नहीं ये डेट कहाँ से हुआ है, ऑफिशियली कोई डेट नहीं आया है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चर्चा चल रही है, तो हम बीपीएससी से फिर कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आंदोलन हो जाएगा। और सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप बीपीएससी को स्पष्ट निर्देश दे कि किसी भी एग्जाम के समय परीक्षा या बीच में उसके एग्जाम के बीच में परीक्षा ना ले, खासकर यूपीएससी मेंस का ध्यान रखे, नहीं तो फिर से आंदोलन हो जाएगा। इस चीज का बीपीएससी को ख्याल रखना होगा और सरकार को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि किसी परीक्षा से, और खासकर यूपीएससी परीक्षा से, बीपीएससी की परीक्षा ना टकराए या उसके बीच में बीपीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए। सब